हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मानव राय। आप देख रहे हो पागला वीडियो। और इस वीडियो में मैं HP डेस्कटॉप 5151 ऑल इन वन प्रिंटर के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कि दोस्तों आप पढ़ ही सकते हो टाइटल बॉक्स में, और एक फुल रिव्यू है मेरे तरफ से। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो, इस प्रिंटर में आप प्रिंट कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। जेरॉक्स हिसाब से काट करता है और प्रिंट भी कर सकते हो। बॉक्स में आता है एक बुकलेट आता है, उसके साथ साथ ये एक कार्टेज भी आता है फ्री कलर और ब्लैक एंड वाइट। उसके साथ साथ आप पा जाओगे डेटा केबल, जिसके साथ आप कंप्यूटर पर लैपटॉप पर कनेक्ट कर सकते हो। और अडैप्टर के साथ भी आता है और कंप्लीट एक सीडी के साथ आता है। और ये आप मेरे पास है वाइट कलर का, और मेरे हिसाब से वाइट कलर भी अवेलेबल है। और यहाँ से आप चाहो तो अपने पेज को मॉडिफाई कर सकते हो। और ये रहा कंट्रोल पैनल, इसमें आप ब्लैक एंड वाइट कलर को चूज कर सकते हो। और इसके अंदर आपका जो कार्टेज होता है 6, 7, 8, जिसको चाहो आप चाहो तो ऑनलाइन से खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, स्नैपडील से, जिसको आपको पसंद आए। सो जब आपके पास आपके काली इंक खत्म हो जाता है, आप ऑनलाइन से खरीद के या इस तरह से आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। सो मैं ब्लैक को चेंज करने वाला हूँ। सिंपली आपको देखना होगा, क्या आपको जस्ट हल्का सा प्रेस करना होगा, वो कनेक्ट हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहो तो मेरे वीडियो को फॉलो कर सकते हो, कैसे इंसर्ट करते हैं देख लेते हैं। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है इन कार्टेज को इंस्टॉल करने का। और ये रहा पीछे का साइड, अगर कोई पेपर एक्स्ट्रा हो जाता है जिसके साथ आपको कोई कुछ क्लीन करना होता है, सो इस पीछे को आप पीछे से आप खोल सकते हो अगर आप चाहो तो। तो ये रहा सेल्फ डेकोरेशन। और उसके बाद ही आप देख सकते हो USB और पावर कट के लगानों की फ्लाक है। इस तरह से आप अपना USB को कनेक्ट करना, और ये रहा पावर फ्लक, पावर कॉर्ड को भी कनेक्ट कर दो। और इट साइड को आपने लैपटॉप और डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करो। और इसको पावर ऑन कर दो। तो सिंपली पावर ऑन होने जाने के बाद आप ऑटोमेटिकली देख सकते हो अपना प्रिंटर ऑन हो गया है। आपको इसमें ऑटो टर्न ऑन फीचर्स के साथ आता है, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देख सकते हो यहाँ पर पावर बटन भी है, और दिखा रहा है मेरे पास जो कलर का जो प्रिंट है, जो कार्टेज है, कलर कार्टेज जो मेरा काफ़ी ज़्यादा लो है। मेरे पास कलर कार्टेज नहीं है, सो मैं इस वीडियो में ब्लैक एंड वाइट आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। सो ये रहा स्कैनर, ये इस तरह से काम करता है, देख ही सकते हो दोस्तों। तो उसके बाद एक बार कुछ प्रिंट करके देखते हैं कैसा होता है इस प्रिंटर के ऊपर प्रिंट। ये इंकजेट प्रिंटर है, इनके साथ काम करता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ब्लैक एंड वाइट फोटो प्रिंट करना चाहते हो, अगर आप कोई भी कलर फोटो प्रिंट करना चाहते हो घर में कम खर्च में, सो आप इंकजेट प्रिंटर को चूज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर स्पीड थोड़ी सी स्लो है, लगभग एक कार्टेज में 480 पेज को प्रिंट कर सकते हो। और कंपेयर टू लेज़र प्रिंटर काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। कंपेयर टू इंकजेट प्रिंटर ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, पर इसका इंक थोड़ा सा महंगा है। अगर आप कंपेयर करें तो लेज़र प्रिंटर की पाउडर के साथ। सो अगर आप सिंपली घर में यूज़ करना चाहते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस प्रिंटर को खरीद सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज़ हिट द रेड सब्सक्राइब बटन राइट नाउ, एंड थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू वंस अगेन।